नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए एक ऐसे आसन के बारे में। इसके बारे में हमने पहले जाना था, लेकिन आज हम जानने वाले हैं एडवांस रूप में इस आसन को करने से क्या होगा कि इससे आपके हाथ मजबूत बनेंगे, इससे आपकी छाती मजबूत बनेगी, इससे आपके कंधे मजबूत बनते हैं, इससे हमारी जठर अग्नि बढ़ेगी, भूख खुलकर लगेगी। जो अरुचि की समस्या थी वह इस आसन का अभ्यास करने से दूर होती है। और इस आसन का अभ्यास करने का सबसे मुख्य फायदा है कि इस आसन का अभ्यास करने से हमारे जीवन में संतुलन आता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वह आसन कौन सा है। वह आसन है तुलासन, या हम इसको कह सकते हैं झुलासन। वैसे तुल का मतलब होता है तुला, जो तराजू होता है उसके दोनों साइड बराबर होते हैं। और इसका दूसरा नाम है झुलासन, यानी कि झूले की तरह झूलना। सबसे पहले इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको पद्मासन में बैठ जाना है। अब आपको अपने दोनों हथेली को या दोनों हाथों को जमीन से टिका देना है, जमीन पर रख देना है, और आपको अपने हाथों के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाना है। शुरुआत में व्यक्ति को अपने बल के अनुसार या अपनी ताकत अनुसार इस आसन का अभ्यास करना है। लेकिन अगर व्यक्ति इसका अभ्यासी हो गया है तो वह कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करे। अब जब आप अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं, यानी कि हाथों के बल पर, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सांस अंदर भरना है। अब आपको सांस अंदर तब तक भरे रखना है जब तक आपको लगे कि अब सांस छोड़े बगैर रहा नहीं जाएगा या अपने हाथों की ताकत पूरी हो गई है। अब हाथ को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, तो उस समय पर आपको सांस छोड़कर आपको नीचे उतर जाना है। अब दोबारा से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। करना क्या है आपको, जब आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए, यानी कि सामान्य हो जाए, तब आपको फिर से हाथों के बल पर या हथेली के बल पर आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है। और एक विशेष बात कि इसका एक नाम है झुलासन। तो बीच में अगर आपको लगे कि आपको एक ही जगह पर रह रहकर आपकी भुजाओं में जोर पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे झूल सकते हैं। और झूलने से भी क्या होता है कि इससे हमारी पीठ मजबूत बनती है। हमारी पेट की दीवार, हमारा पेट, हमारा हाजमा, हमारे हाथ, हमारे कंधे, हमारी छाती, हमारे पुट्ठे, हमारी कलाई, हमारे हाथ, हमारी भुजाएं, ये सब तो दोस्तों मजबूत बन ही रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ झूलने से क्या होता है कि हमारे पीठ पर भी दबाव पड़ता है। और दोस्तों विशेष करके हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं कुंभक, तो कुंभक से क्या होता है कि हमारी सांसें, हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। और इससे भी क्या होता है कि हमारी आयु बढ़ती है, और आयु के साथ साथ जो क्वालिटी होती है, यानी कि स्वास्थ्य होता है, उसका भी हमारे जीवन में विकास होगा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 4 से 5 घंटा रुकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।